अपने जीवन में बुरी बातों के लिए, बुराइयों के लिए, अवगुणों के लिए अस्वीकार कीजिए। क्योंकि अपन देख ध्यान रखें, संसार में एक कलयुग है, एक सतयुग है। सतयुग जहाँ पर राम, हनुमान, महावीर, सुग्रीव, कृष्ण आदि आदि लोगों ने जन्म लिया। और अपन देखें महाभारत में कितनी बार ऐसे मौके आए कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं बोला, पर फिर भी श्री कृष्ण के अंदर ये गुण था कि उन्होंने दुर्योधन की गुस्ताखी को हंसते मुस्कुराते हुए क्षमा कर दिया। बोले मैं सतयुग का हूँ, मैं तुम्हारे टोकने से, तुम्हारे छेड़ने से, तुम्हारे अटैक करने से मैं अपने परिणामों को गंदा नहीं करूँगा। यही तुम में और हम में फर्क है, ये श्री कृष्ण ने कहा। तो इसी तरह हम लोग यदि ध्यान दें इस पंचम काल में, इस कल युग में जिसे अपन कहते हैं कलह युग, अगर कोई एक व्यक्ति कलह करता है तो जरूरी नहीं है कि उसके आसपास रहने वाले सभी कलह करना चालू कर दें, है ना। अगर एक व्यक्ति कलह कर रहा है तो हमें उसको उस पर छोड़ करके उसके परिणामों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो तुमसे गलत भी बोल रहा है, तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें गधा बोल रहा है, पर आप उनको सुनकर के इग्नोर कर दो और ये सोच कर कर दो कि मुझ में और इसमें यही फर्क है, ये कुछ भी कह सकता है पर मैं कुछ भी सुन नहीं सकता, इसलिए मैं सुनूंगा ही नहीं, वहीं विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अच्छा बनने का प्रयास करें, बुरे बनने का नहीं।